स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू क्लास ऑफ स्ट्रक्चरलो अब सर हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, कौकरोच. कौकरोच के अलावा इसमें और दो एनिमल है जिसका नाम है फ्रॉग एंड अर्थव लेकिन वो अभी तक नीट के सिलेबस में नहीं दिए गए इसलिए हम लोग

क्योंकि उसके अंदर एक लार्जेस्ट क्लास है दैट इज इंसेक्टा इंसेक्टा ठीक है तो कॉकरोच एक इंसेक्ट है आप ये भूलेंगे नहीं बेटा ऐसा एक अंदाजा लगाया जाता है कि दुनिया में जितनी भी एनिमल्स है मतलब सर देखो फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स सॉरी बायोडाइवर्सिटी जो आपको एक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन उसके हिसाब से ऐसा लिखा गया है कि दुनिया में जितनी भी एनिमल्स है उसमें सेवेंटी परसेंट तो इंसेक्ट्स है मतलब हम लोग भी नहीं है इनकी क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन इनका लाइफ स्पैन बहुत कम है और ये लोग बहुत छोटे साइज के इसलिए ये लोग डोमिनेटिंग नहीं है हमारा लाइफ स्पैन ज्यादा है और हम लोग बड़े साइज के इसलिए हम लोग इस अर्थ पर डोमिनेट करते हैं नहीं तो हमसे ज्यादा क्वांटिटी अगर किसी की है तो वो इंसेक्ट्स की है बेटा ठीक है अब सर सवाल ये उठ रहा है कि ये इंसेक्ट्स इतने ज्यादा क्यों है मतलब समझो दस एनिमल है तो उसमें सात तो इंसेक्ट ही मिलेंगे और आज का तो नया रिकॉर्ड ऐसा है कि सात नहीं आठ मिलेंगे सर इतने ज्यादा हो चुके हैं तो इस बेटा ऐसा कहा जाता है कि इनके पास अडेप्टेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है ये लोग किसी भी एनवायरमेंट में किसी भी माहौल में रह सकते हैं इनके ज्यादा नखरे नहीं है हम लोगों के जैसे रहने के लिए हमको यही चाहिए वो चाहिए ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं सर मुझे आप एक चीज समझाइए ये जो नाम लिखा गया अर्थ्रोपोडा इस शब्द का क्या मतलब हुआ वैसे तो बेटा ये एनिमल किंगडम में आता है फिर भी थोड़ा सा मतलब बेटा. So ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी टुकड़ो टुकड़ो में बनी हुई है या जिनके अपेंडेजेस मतलब जिनके हाथ और पैर ऐसे टुकड़े टुकड़ों में बने हुए राइट और टुकड़ो टुकड़ों को ज्वाइन किया गया ज्वाइंटेड अपेंडेजेस ओके

ब्राउन बॉडीड एनिमल्स ऐसा इनको कहा जाता है कि जनरली ये लोग ऐसे दो कलर में पाए जाते हैं ब्लैकिश रेडिश ब्राउन ऐसे दो कलर में पाए जाते हैं। लेकिन इनके अलावा इनके और भी कलर्स है लाइक like जैसे ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर कॉकरोचेस टिपिकली फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन्स अब बेटा ये जो ट्रॉपिकल रीजन है ये भी तुमको अब धीरे धीरे समझेगा जब हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर क्योंकि उसमें टेम्परेट जोन एंड द ट्रॉपिकल जोन के बारे में पूरी पूरी नॉलेज दी गई लेकिन बेटा ये है ना बायोडाइवर्सिटी चैप्टर यूनिट नंबर टेन में ट्वेल्थ में आता है मतलब सबसे आखिरी ये समझ लो आप ओके अब सर कॉमनली तो ये दो कलर के उसके अलावा और कौन से ये मैंने यहाँ लिख दिए गए अगर मैं एवरेजली पूछ रहा हूँ कि कॉकरोच की साइज क्या है राइट वॉट इज द लेंथ ऑफ द कॉकरोच कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉकरोचे भिन्न भिन्न प्रकार के उनकी लेंथ क्या है तो अपनी NCRT बुक में दिया है कि 1, 4, 2, 3 इंचेस। अच्छा सर, इसका कुछ कन्वर्जन बताइए 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर मिनिमम टू मैक्सिमम बता दिया बेटा तो ये वैरायटी ऑफ कॉकरोचेस इतने साइज के हम लोग को मिल सकते हैं बेटा ओके अब सर ऐसा देखा गया तो देर आर फोर स्पीशीज ऑफ सर कौन कौन सी चार स्पीशीज है ठीक है यहां नाम लिखा देता हूं दैट इज अ पेरी अमेरिकाना पी फॉर पेरी देन पेरी ऑस्ट्रेलियासी ऑस्ट्रेलिया सी ठीक है फिर उसके बाद ब्लाटा ओरिएंटलिस एंड ब्लाटा जर्मनी तो का बेटा पेरी अमेरिकाना पेरी ऑस्ट्रेलियासी, ऑस्ट्रेलिया ब्लाटा ओरिएंटलिस, ब्लाटा जर्म बी फॉर ब्लाटा पी फॉर पेरी अब इसमें से इंडिया में सबसे जो कॉमन पाए जाते हैं वो ये दो है दैट इज पेरी अमेरिकाना एंड द ब्लाटा ओरियंटालिस अब बाकी दो नाम जो आप देख रहे हैं दैट दैट इज इज तो एन ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच एंड जर्मनी का जर्मन कॉकरोच वैसे मैं आपको बता दूं ये भी अमेरिकन कॉकरोच हो गया और Orientalis, मतलब एशियन कॉकरोच हो गया तो ये एशिया में सबसे कॉमन है और ये अमेरिका में सबसे कॉमन है सर इंडिया तो एशिया में आता है ना लेकिन हाँ इसकी तादाद हमारे पास सबसे ज्यादा है मतलब वो बोलते हैं ना अंग्रेज चले गए और हमारे लिए क्या छोड़ के गए तो कॉकरोचेस बेटा सारे के सारे पेरी प्लानिटा अमेरिका तो इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब तादाद में कौन से कॉकरोच की स्पीशीज पाई जाती है तो पेरी अमेरिकाना और अब हमको वही कॉकरोच पूरा डिटेल में पढ़ना है बेटा जैसे हम लोग ह्यूमन सिस्टम्स पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी पढ़ रहे ह्यूमन की एनाटॉमी पढ़ रहे सेम टू सेम हमको की है। पहले कॉकरोच को उसका उसका मतलब यहाँ पर कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पायरेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम ये सब कुछ कवर करना है बेटा राइट मतलब जैसे हम लोग एक ह्यूमन विंग को पढ़ते अब हमको कॉकरोच को पढ़ना जरूरी है बेटा। ओके okay. अब भैया जो मैंने कहा ये, तो ये ब्लाटा तो ओरियंटैलीस में जो फीमेल कॉकरोच होती है क्या बात करें सर मेल और फीमेल भी बिल्कुल करेक्ट बट इनमें सेक्सुअल डायमोरफिजम होता है मेल कॉकरोच अलग और फीमेल कॉकरोच अलग सर हमने तो कभी पहचाना नहीं आप पहचानोगे कैसे पहले आप कॉकरोच का स्टडी करो स्टडी करने के बाद आपको समझ में आएगा कि मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में डिफरेंसेस क्या है तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो फीमेल कॉकरोच कॉकरोच है ब्लाटा की दैट इज विंगलेस बेटा को पंख भी होते हैं लेकिन कॉकरोच बहुत रेयरली उड़ते हैं ज्यादातर वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं मतलब ज्यादातर वो लोग वॉकिंग और रनिंग में बिलीव करते हैं अब सर अगर आपको कोई भी कॉकरोच विंगलेस मिलता है तो हो सकता है कि वो फीमेल ब्लाटा हो, ओके? तो चलिए अब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं यहां तो मैंने आपको बता दिया है अभी अपन धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे अमेरिकाना है उसके हैबिटेट से अगर बात चल रही है सर तो आपको क्या लगता है कि कॉकरोच सबसे कॉमनली कहा पाए जाते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी हैबिटेट ऑफ द कॉकरोच बताइए सर सबसे पहली चीज सर अगर आप घरों की बात कर रहे हैं तो घरों में हमको ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम लोग तो गैस सिलेंडर वगैरह लगाते हैं उसके जो होल होते हैं उसके अंदर कॉकरोच मिलते हैं हमारे जो वॉश बेसिन या सिंक होते हैं उसका जो पाइपलाइन जाती है वहाँ पे कॉकरोचेस मिलते हैं दीवारों में अगर कुछ क्रैक्स हो गए दरार हो गए उसके अंदर भी हमको कॉकरोचेस मिलते हैं राइट तो सर कॉकरोचेस जनरली वहां पर ही क्यों मिलते हैं अगर हम गोडाउन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हमको कॉकरोचेस मिलेंगे तो सर कॉकरोचेस वहां पर क्यों मिलते हैं क्योंकि कॉकरोचेस को जो फेवरेट है बेटा वो कहां पर भी मिले वहां पे दो चीजें होना जरूरी है दैट इज अ अम्थ एंड मॉइस्चर मतलब कॉकरोचेस लव वॉर्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस बेटा वो जनरली यहीं पर पाए जाएंगे जहां पे हल्की फुल्की गर्मी हो और ढेर सारा मॉइस्चर हो तो अपने जो पाइपलाइंस होते जो ड्रेनेज के पाइपलाइंस होते तो उसके अंदर मॉइस्चर काफी होता है तो वहीं पर वो लोग बैठे रहते हैं ठीक है तो ये हो गया इनका हैबिटेट अब सर रही बात इनके हैबिट्स की तो वो तो ढेर सारी है बेटा हैबिट्स या हम लोग इसको बोलेंगे थोड़ा सा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स तो इसमें अब क्या क्या आ जाएगा सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एनिमल्स आर नौक्षर्नल. क्या कहा बेटा मैंने दिस कॉकरोचेस आर नौक्षर्नल. मैं कौन सा कॉकरोच पढ़ा रहा हूं पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना इसका मैंने पूरा टेक्सोनॉमी यहां लिखा है तो हम इसी पे फोकस कर रहे हैं बेटा तो नॉक्चरल का मतलब है बेटा रात का खिलाड़ी मतलब ये लोग एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट है दिन में ये लोग सोते रहेंगे ऐसा नहीं दिन में ये लोग छुप के बैठते हैं एक तो शिकार होने का भी डर होता है और इनकी जो आई साइट है वो ज्यादा अंधेरे के लिए बनी हुई है मतलब अंधेरे में इनको और अच्छे से दिखाई देता है बेटा और अंधेरे में ये लोग अपना खाना वगैरह ढूंढने आते हैं तो नॉक्चनल बोले तो एक्टिव ड्यूरिंग नाइट ओके अच्छा सर आप खाने की बात कर रहे थे तो ये लोग क्या खाते हैं सर कुछ भी सब कुछ चलता है इनको बस आने दो बोलते हैं अपने जैसे नखरे तो बिल्कुल भी नहीं है इनके दे आर ओमनीस हम लोग बोलते हैं ना हरबी वर्स शाकाहारी कार्निवरस मांसाहारी और ओमनी वर्स बोत सर वैसे तो ह्यूमन बींग भी ओमनी वर्स है वो लोग वेज भी खा सकते हैं नॉन वेज भी खा सकते हैं बेटा ये तो वो भी खा सकता है जो इंसान नहीं खा सकते मतलब इन ये लोग वेज नॉन वेज नॉन लिविंग थिंग्स मतलब पेपर के टुकड़े लेदर का टुकड़ा कपड़ा वगैरह कुछ भी और अगर कुछ नहीं मिला तो ये लोग अपने ग्रुप में से एक कॉक्रोच को मार के भी खा सकते मतलब मतलब हैं तो उसे बोलते हैं है तो यहां पर मैं बताना चाह रहा था कि ओमनी वोरस का मतलब ये हो गया कि दे आर गोइंग टू ईट एनीथिंग मतलब उनको खाने पीने का टेंशन नहीं वो किसी पर भी सर्वाइव कर सकते हैं तो मतलब जैसे क्लॉथ पेपर लेदर ठीक है वेज नॉन वेज या फिर ओन स्पीशीज जब इनको बहुत दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिलता है तो ये लोग अपने ही ग्रुप में जो कमजोर होता है कॉकरोच, उसको सब लोग मिलकर मार देते और उसको खा लेते हैं और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कैनिबल्स क्या बोलते हैं बेटा कैनिबल्स तो ये हो गया ओमनीवोरस नेक्स्ट सर आपने जैसे मेल और फीमेल कॉकरोच बताया था उसी को आगे बताता हूं दे आर यूनिसेक्सुअल राइट यूनिसेक्सुअल के लिए दूसरा शब्द क्या है बेटा डायोशियस शब्दों में गड़बड़ने करेंगे तो डायोशियस और यूनिसेक्सुअल का मतलब यहां पे क्लियर हो गया है कि सेक्सेज आर सेपरेट सेक्सेस आर सेपरेट मेल कॉकरोच अलग फीमेल कॉकरोच अलग अब धीरे धीरे जैसे मैं कॉकरोच आगे पढ़ाते जाऊंगा मैं आपको बताते जाऊंगा कि मेल और फीमेल कॉक्रोच में डिफरेंसेस क्या होते यू डोट वरी अबाउट दैट थिंग्स ओके नेक्स्ट अब सर आप ये भी कह रहे थे कि आप मेल और फीमेल कॉकरोच को बाहर से देखकर पहचान सकते हो यस yes, हम पहचान सकते हैं बस स्टडी की जरूरत है अब उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बेटा सेक्सुअल डायमोरफिजम वैसे एनिमल किंगडम में ये प्रॉपर्टी सबसे पहले आई थी पांचवे नंबर के फाइलम में दैट इज अस्कल उसमें एक एग्जाम्पल हम पढ़ते थे एस्केरिस तो उसमें आया था कि मेल और फीमेल अलग अलग आप पहचान सकते देखो बेटा इंसानों में जनरली अपन क्या करते हैं कि दूर से देखकर भी बता सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है कि मेल है कि फीमेल है एक्सटर्नली बता सकते हैं राइट अगर आप एक्सटर्नली बता सकते हैं तो उसको बोलते सेक्सुअल डायमोर्फिक प्रॉपर्टी मतलब यू कैन आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सटर्नली ओके बाय जस्ट सीइंग देम तो वैसे कॉकरोचेस में भी है। मैं जानता हूं आप अभी उन्हें पहचान नहीं सकते हैं आपको तो अभी अभी पता चला है कि मेल एक है फीमेल कॉकरोच भी होता है अब उसमें भी देखकर कैसे पहचानना तो मैंने कहा ना धीरे धीरे जैसे स्टडीज आगे बढ़ेगी तो आप मेल और फीमेल का डिफरेंस पता लगा लोगे ठीक है तो सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का मतलब है एक्सटर्नली यू कैन आइडेंटिफाई सेक्स ऑफ कॉकरोच ठीक है एक्सटर्नली आप पहचान सकते हैं अब बेटा उसके पॉइंट है लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी हम उसमें नहीं जाएंगे अब बेटा मैं ये जानना चाहता हूं कि कॉकरोच मतलब जैसे आप बोल रहे कि मेल और फीमेल अलग अलग है तो ये लोग अब समझो कैसे मतलब दे आर ओवी पेरस, वी पेरस दे आर वीवी वी पेरस मतलब अंडे दे रहे हैं कि डायरेक्टली बच्चे ही पैदा कर रहे हैं जैसे इंसान क्या है बेटा इंसान है वीवी वी पेरस गिव बर्थ टू दंग्रोच सर हमने कभी सोचा नहीं इस बारेबस तो का पार्ट है ये लोग अंडे देते हैं बेटा. अब बेटा मैं आपको बता दू ये अंडो में से जो यंग वन निकलती है इसको लार्वे ने बोलते है इसको यहां पर बहुत टिपिकल टर्म देते हैं। बता के रखता हूं दैट इज कॉल्ड एज ए निम्फ क्या बोलते है बेटा निम्फ और निम्फ फॉर अडल्ट कॉकरोच में बहुत कम फर्क होता है मतलब साइज का तो रहेगा कि जैसे देखो हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल रिसेंबल टू द ह्यूमन बींग रहते हैं बड़े बस साइज का फर्क रहता है तो अब ये छोटा है वो बड़ा है अब वैसे ही कॉकरोच में रहता है कि छोटा कॉकरोच बोलते निम्फ और बड़ा कॉकरोच अब छोटे और बड़े कॉकरोच में एक फर्क रहता है विंग्स का मतलब जो निम्फ होते हैं उनको पंख डेवलप नहीं होते ऐसा बोलते हैं कि जिस समय निम्फ को पंख आ गए विंग्स डेवलप हो गए तब वो कॉकरोच कॉकरोच कह रहा मतलब कभी-कभी अगर आपको विंगलेस भी दिखे, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा फीमेल ब्लाटा इंटेलिज़ तो नहीं आए राइट तो बेटा यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग एग लेंगे अब ये अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं निम्फ ये नाम अभी से जहन में रखो ठीक है अच्छा दे ऑल्सो शो द पेरेंटल केयर जैसे हम लोग में मां बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं तो ये लोग भी रखते हैं बच्चों के लिए खाना लाना खाना पकाना उनका ध्यान रखना उनकी अच्छी परवरिश करना ये सब भी इनमें चलता है बेटा ठीक है अब सर हैबिटेट तो मैं बता चुका था हैबिट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अब यहां तक हमने जो पॉइंट कवर किए उसमें क्या क्या -के? फिर से नॉकचर्नल

तो इनकी जो लेंथ है दैट इज अराउंड 34 टू 53 थ्री mm. मिलीमीटर मतलब मैं अंदाजा लिख रहा हूं 3 टू 5 सेंटीमीटर इन लेंथ ठीक है और जो इनकी होती है दैट इज अराउंड 1.5 टू 2 सेंटीमीटर मतलब अगर हम इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करके लिखते तो दैट इज अराउंड 15 टू 20 मिलीमीटर इधर लिधर वन पॉइंट टू टू सेंटीमीटर ठीक है तो ये पेरी प्लेनेट

लिख देता हूं फिर समझाता हूं वेंट्रली ओके। अब बेटा इसका मतलब क्या है अब सबसे पहले मान लो कि ये जो मेरा हाथ है कॉकरोच है इमेजिन दिस इज कॉकरोच राइट ये मेरा हाथ तो ये ऊपर का जो सरफेस होता है उनकी बॉडी का उसको बोलते हैं डोरसल और नीचे का जो सरफेस होता है वेंट्रल मतलब इनकी बॉडी ऊपर और नीचे से दबी हुई है फ्लैट ठीक है और इनको कभी भी देखना इनके नीचे से पैर होते तो ऐसे ऐसे भागते रहते और ऊपर से पंख रहेंगे हमेशा कॉकरोच को ऐसे इमेजिन करो ये हाथ ऐसा राइट तो बेटा अभी कैसा है हम लोग हमारे पैरों पर खड़े रह सकते हैं और हमारी बॉडी का पोस्टर ऐसा है तो हमारा क्या हो जाता है ये हमारा वेंट्रल हो गया पीछे वाला डॉर्सल हो गया अगर मैंने आपको वाला लेट जाओ अपने पेट के बल पे लेट जाओ जब आप लेटोगे तो ये नीचे जाएगा तो ये नीचे क्या चलेगा वेंट्रल और ये ऊपर क्या आ जाएगा बेटा डौसल. तो कॉकरोच को ऐसी करो कि जैसे हुआ है बेटा, लेकिन इन द वर्टिकल और ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा डॉर्सल तो ऊपर से इसकी बॉडी कैसी ऐसी दबी हुई है तो इसको बोलते डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी तो बेटा यहां पर हमने अभी क्या किया हमने कॉकरोच की हल्की फुल्की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी

रन करेंगे उड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं कॉकरोचेस बहुत ही इमरजेंसी में फ्लाई करते हैं बहुत ही इमरजेंसी में राइट right? अब सर यह हो गए इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अब धीरे धीरे इनके बॉडी पार्ट्स के ऊपर आते हैं ऐसा कहा जाता है कि कॉकरोच को स्टडी करने के लिए कॉकरोच को स्टडी करने के लिए उसके बॉडी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया और तीन हिस्से क्या है सर हेड थोरैक्स एंड एबडोम चलिए एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हम लोग सो बॉडी इज डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट दैट इज हेड थोरैक्स दैट मीन्स अ चेस्ट एंड एबडोमिन चेस्ट अब इनकी बॉडी जो डिवाइडेड है वो तीन से पांच सेंटीमीटर में तो बहुत छोटी छोटी इमेजिन करना पड़ेगा स्टार्टिंग में बेटा मैंने एक चीज क्लियर की थी कि ये अर्थ्रोप्रोडा है, है तो टुकड़ों का यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं सेगमेंट्स लेकिन इंपॉर्टेंट है ये टुकड़े किस चीज़ के बने हुए क्योंकि टुकड़े बहुत ही कड़क हो गए बहुत ही हार्ड हो गए और इसी से इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगा तो बात चल रही बेटा इनके एग्जोस्टन की मतलब सर यहां बताता हूं मैं अगर किसी ने आपको पूछा कि भाई ये कॉकरोच ही हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं राइट और ये इतना ज्यादा क्यों है तो उसके पीछे रीजन था मतलब इनकी बॉडी पे इतना टफ मटेरियल एक लगाया हुआ है और वो टफ मटेरियल का नाम है बेटा का आप इसे चिटीन भी बोल सकते हो चिटीनस एग्जोस्लेटन और काइटी ऐसा जस्ट बोलते हैं कि आज की तारीख में जैसे मॉडर्न डे में स्टील होता है अपना स्टील होता है स्टेनलेस स्टील

राइट right? जो कि इनके बॉडी को प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम द एक्सटर्नल हार्म हम तो चप्पल उठा के मार देते कॉकरोच फट दी सर काय का मॉडर्न स्टील था एक झटके में तो मर गया बेटा हमारा जोर उनकी बॉडी का साइज बहुत अलग है बेटा लेकिन उनके साइज के अगर इंसेक्ट्स के साथ वो लोग लड़ते हैं कुछ करते है, तो उनकी बॉडी में वो प्रोटेक्टिव मटेरियल है काइटीन अब बेटा ये जो काइटीन है ये भी टुकड़े टुकड़े में अब सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कॉकरोच की बॉडी के सर्फेसिस तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं आप ध्यान दीजिए अब जैसे क्या होता है ओवरऑल ये जो काइटिन है टुकड़ों में है तो ओवरऑल ये टुकड़ों को नाम दिया जाता है स्क्लेराइट्स मतलब ये जो काइटीन के सेगमेंट्स से, है टुकड़े-टुकड़े उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं स्क्लेराइट्स लेकिन बेटा ये टुकड़े भी अब डॉर्सली है वेंट्रली है लैटरली है उसके हिसाब से अलग-अलग नाम पड़ेगा ध्यान दीजिए बेटा ठीक है अब क्या होता है मैंने कहा था ना कॉकरोच इमेजिनेशन राइट right? तो बेटा अगर अब ये कॉकरोच में इमेजिन कर रहा हूं तो ऊपर वाला सरफेस कौन सा है डॉर्सल इसमें भी टुकड़े लगे हुए काइटिन के नीचे वाला सरफेस कौन सा है वेंट्रल इसमें भी टुकड़े लगे हुए काइटिन के और बेटा भूलिए मत एक लैटरल सरफेस भी साइड वाला इसमें भी टुकड़े लगे हुए काइटिन के और ये सारे टुकड़ों को आपस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके पूरी कॉकरोच की बॉडी बनाते हैं मतलब सर अगर समझो मान लो हम लोग ये है और मैंने कहा ना खुद अगर पेट के बल लेट जाओ

क्योंकि वह हॉरिजॉन्टल पोजिशन में ही रहता है ठीक है अब सर इसके हिसाब से ये स्क्लेराइट्स के तीन नाम हो जाएंगे बेटा डिपेंडिंग अपॉन द सर्फेसेस अब ऊपर की तरफ से जो काइटीन के टुकड़े लगे हुए सेगमेंट्स ठीक है जो डॉर्सली लगे हुए उसे हम लोग बोलते हैं टर्गा टर्जा या फिर टर्गाइट्स ठीक है ऊपर वाले को सब नाम नए नए हैं दोस्ती करनी पड़ेगी धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे ठीक है अब सर जो नीचे की तरफ से लगे थे वेंट्रली तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा स्टर्ना और स्टर्नाइट्स स्टर्ना और स्टर्नाइट्स और जो बेटा लैटरली लगेंगे साइड साइड से ठीक है सो उसे हम लोग बोलेंगे सर प्लूरॉन और प्लूराइट ठीक है प्लूरॉन और प्लूराइड्स अब बेटा ध्यान देंगे बातों पे। देखो ये ऊपर वाला सरफेस है इसमें टुकड़े लगे हुए काइटीन के टुकड़े अब ये टुकड़ों का नाम क्या है डॉर्सली जो लगे टर्गा और टर्गाइट्स तो ऊपर वाले क्या है टर्गा और टर्गाइट्स सर वो कितने लगे हुए उसकी भी गिनती है वो सब मैं बताऊंगा पहले टुकड़ों का नाम क्या है टर्गा और टर्गाइट्स नीचे भी टुकड़े लगे हुए ठीक है नीचे बोले तो वेंट्रली उनका नाम क्या है स्टर्ना और स्टर्नाइट्स नीचे वालों का नाम क्या है टर्गा और टाइट अच्छा ये साइड वाला पार्ट है दो साइड हो गए ना ये एक साइड हो गई और ये अंदर से एक साइड हो गई तो इधर भी टुकड़े लगे हुए अंदर से भी टुकड़े लगे हुए राइट तो लेटरली प्लोरॉन और प्लोराइट तो ऊपर वाला कौन टर्गा नीचे वाला कौन स्टर्ना और साइड वाला कौन प्लूरा और इन सब को अब सारे टुकड़े टुकड़े हैं के बने हुए टुकड़े टुकड़े टफ हैं तो ये टुकड़ों को अब सब को एक दूसरे से ज्वाइन करना पड़ेगा तरगा प्लूरा और नीचे कौन है स्टर्ना इन सब को एक दूसरे से ज्वाइन करना पड़ेगा अब टुकड़े टफ तुकड� है लेकिन बॉडी में थोड़ी बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना ये देख हमारी बॉडी का जो शेप है वो कौन मेंटेन कर रहा है हड्डिया

तो अब बेटा बात आती है कि ये टर्गा स्टर्ना प्लूरा ये आपस में एक दूसरे से कैसे ज्वाइन हुए ठीक है तो बेटा यहां लिखेंगे दे आर ज्वाइन टूगेदर बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन आपको कंसेप्ट तो बेटा ये सारे टुकड़ों के नाम याद रखने बताइए ऊपर वाला कौन था टर्गा नीचे वाला कौन था स्टना और साइड वाला कौन था प्लियोरा सब एक दूसरे जो आई फ्लेक्सिबलब्रेन के थ्रू फ्लेक्सिबल का नाम क्या अर्थ्रॉइडल क्लियर है बेटा यहाँ तक कंसेप्ट अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपने इनकी बॉडी को हेड चेस्ट एबडोमिन में डिवाइड किया और ये सब हेड चेस्ट एबडोमिन में यही काइटिन के टुकड़े लगे हुए वे, डॉर्सली वेंट्रली अब सर ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो बॉडी है समझो मान लो ये कॉकरोच अगेन तो इसमें अभी हेड नहीं है ये चेस्ट है और ये एबडोमिन ये इतना पार्ट चेस्ट है और बड़ा पार्ट एबडोम है सर हेड की दर है कि इनकी बॉडी को परपेंडिकुलरली प्रेजेंट रहता है कहा मैंने इनकी बॉडी को परपेंडिकुलरली फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये डस्टर तो ये उनका हेड ऐसा रहेगा, मतलब देख ये हेड हो गया ये भी का बने ये इतना पार्ट चेस्ट हो गया जितना मेरा पाम है चेस्ट छोटा रहता है और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पार्ट एबडोम हो गया बड़ा पार्ट है तो इट्स लाइक परपेंडिकुलर टू बॉडी देन दिस इज चेस्ट और यहां से लेकर यहां तक एपडोम तो ये इस तरह से कॉकरोच होता है समझ रहे हो आप मेरी बात को क्लियर है यहां तक तो चलिए एक रफ डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करता हूं मान लेते हैं कि ये इनका हेड है। एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश हो रही है बेटा यहाँ पे इट्स समवॉट वॉट ट्राइंगुलर और वो ट्राइंगल नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है अब सर ये उनकी ऐसी चेस्ट है तो मैंने कहा था चेस्ट छोटी होती है और ये उनका क्या रहेगा बेटा एबडोमिन एबडोमिन थोड़ा सा एनलार्ज बताएंगे हम लोग यहां पे लाके ऐसे छोड़ देंगे ठीक है तो एक रफ डायग्राम बनाने की चल रही है कॉकरोच की तो सर ये क्या हो गया हेड ये क्या हो गया थोरेक्स ये हो गया एबडोमिन अब सर अब सर ध्यान देंगे बच्चों अब इनकी जो चेस्ट है राइट right? इसमें कुल मिला के ऐसे तीन सेगमेंट्स है कुल मिला के ऐसे तीन सेगमेंट्स है राइट right? अब बेटा तीन सेगमेंट्स बोले तो काइटिन के अब ऊपर से भी तीन है नीचे से भी तीन है साइड से भी तीन तीन है राइट right? तो पूरी चेस्ट इनकी इस तरह से बनेंगे सेगमेंट्स बोले तो स्क्लेराइट्स डॉर्सल स्क्लेराइट है तो टर्गा वेंट्रल है तो लैटरल है तो ये अब इन्होंने क्या बोला जनरल नाम दिया अब इसमें क्या होता है बेटा? तीन तीन साइड साइड से भी है अब एब्डोमिन में आ जाते हैं एब्डोमिन में बोलते कुल मिला के दस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड दिस इज टेन अब थोड़े छोटे बड़े बन चुके हैं इतना टेंशन नहीं लेना इसमें सो so, ये वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सटेंड कर लेते ये इलेवन हो गया एक्चुअली ठीक है नाइन और ये बन गया टेन ठीक है तो ऐसे दस सेगमेंट तो ये हो गया एबडोमिन बेटा ये हो गई थोरैक्स और ये बचा हेड अब सर एब्डोमिन में तीन सेगमेंट्स सॉरी थोरैक्स में तीन सेगमेंट एब्डोमिन में दस। कुल मिलाकर कितने सेगमेंट हो गए कितने टुकड़े हो गए 13 कितने टुकड़े हो गए 13 अब बचा हेड अब ये हेड कैसा है ऐसा नीचे की तरफ जाता हुआ ट्रायंगल है जस्ट इमेजिन ना कि ऐसा ट्रायंगल है नीचे की तरफ जाता हुआ ट्रायंगल है ठीक है अब सर सबसे पहले आपको हेड के पोजीशन पे क्वेश्चन आएगा

अब बताइए कॉकरोच की बॉडी टोटल कितने टुकड़ों से बनी हुई कितने सेगमेंट से बनी हुई है ठीक है तो कितना हो गया बताइए बेटा 19 दम, 19 क्लियर है एकदम से बनी हुई लेकिन बेटा ऐसा कहा जाता है कि दिस इज द रीडिंग ऑफ अडल्ट कॉकरोच ये किसका है अडल्ट कॉकरोच का अगर छोटा हम लोग निम्फल कॉकरोच लेते हैं निम्फ, तो निम्फ में क्या होता है हेड में छ है चेस्ट में तीन है लेकिन एबडोमिन में ग्यारह सेगमेंट से बेटा तो ऐसे कुल मिला के उसकी बॉडी बीस सेगमेंट से बनी है मतलब जब आप छोटे से बड़े रहेंगे तो आपके ग्यारह के बजाय कितने हो गए दस फ्यूजन हो गए बेटा सेगमेंट्स में हम हम भी जब पैदा हुए थे बेटा हमारी बॉडी में तकरीबन तीन सौ हड्डिया थी लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में ज्वाइन होती गई आज दो सौ छह ही है बेटा तो इनके बॉडी में तो सिर्फ एक ही सेगमेंट फ्यूज हुआ तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि कॉकरोच की जो बॉडी ऐसी टुकड़ों में बनी है टुकड़े काइटीन के बने हुए टुकड़ों के अलग अलग नाम है अगर वो ऊपर है तो टर्गा है नीचे है तो स्टर्ना है साइड में है तो प्लूरा है राइट तो चेस्ट में उसमें से तीन टुकड़े रहेंगे एब्डोमिन में दस रहेंगे और सर में छह रहेंगे तो उन्नीस सेगमेंट एडल्ट में और छोटे बच्चों में कितने आ जाएंगे बेटा बीस सेगमेंट्स ओके क्लियर हो गया यहां तक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए अब बेटा कॉकरोच इसमें क्या क्या प्रेजेंट पढ़ना है तो मैं इसी डायग्राम में रफली बताता हूँ कि हमको पढ़ना क्या क्या है अब सबसे पहले जो इसका हेड है इसका जो हेड है वो नीचे की तरफ जब डायरेक्शन कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं जिस तरह से ये हेड है इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू बॉडी सिंपल रे बेटा तुम ऐसा हो जाओ तुम्हारा सर अब नीचे गया तुम्हारे माउथ पार्ट नीचे चले गए अब तुम्हारी आंखें यहां ऊपर लगा दो यहां से एंटीना लगा दो तुम भी कॉकरोच बन गए अब तुम्हारा क्या तुम ऐसे तुम्हारी आंखें सीधी है मुंह इधर सीधा है कान ऐसे है ये हेड को ऐसा नीचे करो परपेंडिकुलर राइट इट्स लाइक दिस अब माउथ पार्ट नीचे आ गए कान तो होते नहीं है तो वो एंटीना है और आंखें यहाँ की क्या आ जाएंगी इधर आ जाएंगी ऊपर की तरफ तो बेटा बात ऐसी थी कि आपके जो कॉक्रोचेस है उनके पास जो आंखें है वो ऐसी ऊपर की तरफ होती है सो दे अ कंपाउंड आइस ब्लैक डार्क किडनी शेप कंपाउंड आइस और दो छोटी छोटी सिंपल आई भी होती है तो ये मैंने जो बनाए दिस इज द कंपाउंड आइस रफ डायग्राम चल रहा है ये दोनों भी वही है एक एक कंपाउंड आई आई सिंपल और यहां से आंखों के पास से निकलता है उनका ऐसा एंटीना एंटीना सेंसरी नेचर का होता है अब उसका फंक्शन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे आंखें किस तरह से काम कर रही है? वो भी पढ़ेंगे और यहां पे उनके नीचे होते हैं ऐसे माउथ पार्ट्स ठीक है तो ये माउथ पार्ट्स तो सबसे खासियत चीज है उनकी ये हमको पढ़ना पड़ेगा बेटा ठीक है तो ये हमको सब अब हेड में माउथ पार्ट्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल आईज एंटीना इतना हमको पढ़ना पड़ेगा अब सर रही बात आगे आते चेस्ट में तो मैंने कहा पता ना कॉकरोचो कितने पैर थे बेटा छह पैर मतलब थ्री पेयर्स और उसके सारे पैर उसके चेस्ट में से आते हैं और नीचे की तरफ से आते हैं मतलब वेंट्रली आते हैं सी दिस हर एक सेगमेंट में एक-एक पांव आएगा एक-एक पैर ये ऐसा हम लोग जस्ट रफली बना रहे बेटा हां ये एक पेयर हो गया ये दो हो गए ये थर्ड पेयर हो गया ठीक है सो दिज आर वॉट लेग्स टोटल थ्री पेयर तो वो चेस्ट में से सामने की तरफ से आएंगे वेंट्रली अब पंख कितने होते हैं उसके पास बेटा टू पेयर्स मतलब कुल मिला के चार अब वो भी चेस्ट में से निकलेंगे लेकिन डॉर्सली पीछे की तरफ से मतलब बेटा हेड में से एंटीना आईज माउथ पार्ट इतना हो गया अब जो चेस्ट है हेड और चेस्ट कनेक्टेड कैसी होती है बेटा नेक 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 पे एक हल्की सी नेक रहती। एकदम हल्की सी सी रहती एकदम मैं आपको बताता हूँ like गर्दन है समझ लो एकदम छोटी सी गर्दन होती है लेकिन ये गर्दन इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि जिससे उसकी हेड की मूवमेंट हर डायरेक्शन में हो सकती है पॉसिबल मेजर जितने भी डायरेक्शन से उतने डायरेक्शन में उसका जो हेड घूम रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल नेक और वो नेक चेस्ट का एक्सटेंशन रहता है अब चेस्ट में नीचे से थ्री पेयर गए लेग्स के अगर आप एक भी पैर के उसके सारे सेगमेंट्स पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब उसके ऊपर का side, का का साइड 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 ऊपर ऊपर बोले तो तो क्या क्या है है बेटा का क्या बेटा दौर्सल. तो है बेटा डॉर्सल डॉर्सल रहेगा कितने विंग्स प्रेजेंट अपने पास यहाँ पे टू पेयर लेकिन सेगमेंट कितने तीन तो बेटा इसमें से क्या होता है ये जो पहला सेगमेंट है उसमें पंख नहीं होते ये दूसरे सेगमेंट से आते हैं लाइक दिस ये उसके विंग्स है समझ लो यहां से निकले हुए और विंग्स कई बार इतने बड़े होते कि उसके उसके से भी आगे जाते बेटा ये पंख हो उसके, समझ लीजिए विंग होता है, इतना बड़ा होता है कि ये लास्ट का जो एंड पार्ट होता है दिखाई भी नहीं देता फीमेल में विंग्स थोड़े छोटे होते तो पीछे का पार्ट थोड़ा सा दिखाई देता है यहां से भी एक और विंग निकालेंगे हम लोग एक के ऊपर एक होते बिल्कुल जैसे मैं बना रहा हूं बेटा आपको ऐसे ध्यान में रखना है तो यहां पे ऑफ विंग्स आर एंड ठीक है तो फर्स्ट सेगमेंट में से विंग नहीं निकला second third segment से निकला और थर्ड सेगमेंट से से लेकिन नीचे देखिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सेगमेंट में से पैर निकले विंग्स का काम है उड़ना जो बहुत रेयरली इस्तेमाल होंगे विंग्स का स्ट्रक्चर वगैरह सब बाद में पड़ेंगे और लेग्स का भी स्ट्रक्चर बाद में करेंगे ज्यादातर ये लोग अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हैं अब बच्चे आगे के सेगमेंट्स एक से दस तो इसमें इनके पूरे ऑर्गन सिस्टम मेजोरिटी प्रेजेंट रहेंगे डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी वैसे यहां भी डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सब है लेकिन ये वाला पार्ट बड़ा है जैसे हमारा एपडोमिन ये वाला पार्ट इसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो इनके भी ऑर्गन्स उसमें ही रहेंगे मेजोरिटी अब ये एबडोमिन में तो ढेर सारी चीजें बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक्सक्रटरी ऑर्गन है ब्रूड पाउचेस वगैरह है सब कुछ है वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे एक मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दसवा सेगमेंट है अब समझ लो मान लो ये उनकी एनल ओपनिंग है जिससे एक्सक्रीटा बाहर आएगा तो यहां से एक कैरेक्टरिस्टिक चीज होती है ये टेंथ सेगमेंट के पास से थोड़ा सा एक फिलामेंट स्ट्रक्चर अराइज होता है विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल एंड फीमेल राइट इसे ये लोग बोलते हैं एनल सरकाय है। ये एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है धागे की तरह स्ट्रक्चर है जॉइंटेड होता है देखो मैंने

उनको वाइब्रेट करती है तो कॉकरोच को समझ में आ जाता है कि इसको पीछे से कोई मारने इसके वाइब्रेशन से, राइट और वो मेल कॉकरोच में, में एनल सरकाई के अलावा एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं एनल स्टाइल्स जो कि थोड़ा नाइन्थ स्टर्ना से और नाइन्थ सेगमेंट से आता है इसे भी यहां से हटा देता हूं मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं बेटा ये एमसीक्यू वाला पॉइंट है सब लोग ध्यान से सुनेंगे बहुत जगह काम आएगा तो ये है एनल स्टाइल्स ठीक है तो ये भी देखो दो है एनल सरकाय भी दो थे एनल स्टाइल फाउंड ओनली इन मेल ठीक है और एनल सरकाय फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल तो बेटा पहले तो आप इनका बैक एंड देख के समझ जाओगे जहां पे चार धागे दिख रहे है, है दो दो स्टाइल वो मेल है। काम दोनों का एक ही सेंसरी वही पीछे से कोई आ रहा है तो ग्राउंड के वाइब्रेशन हवा के वाइब्रेशन साउंड के वाइब्रेशन डिटेक्ट करना और वो खतरा कॉकरोच को बता देना कि भागो यहां से जान को खतरा है राइट और लेकिन बस फीमेल में दो ही है एनल सरका है। इनके पास एनल सरकाय प्लस एनल स्टाइल है तो इसको याद कैसे रखना मालूम है क्या क्वेश्चन आता है कि ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच तो उसमें सबसे पहला डिफरेंस होता है एनल स्टाइल्स राइट स्टाइल कौन मारता है स्टाइल कौन मारता है मेल क्या फीमेल तो स्टाइल तो मारेगा कौन सर मेल तो मेल कॉकरोच स्टाइल मार रहा है मतलब उसके पास एनल स्टाइल्स भी है और एनल सर तो कॉमन है तो जो अनकॉमन है उसको याद रखो अब देखो बेटा यहाँ पे डायग्राम में फोकस करो ये अनजॉइंटेड है आप देखिए इसे अच्छे से देखिए इसमें मैंने ऐसे लाइन लाइन बनाए इसमें बनाए थे और ये लोग क्या जॉइंटेड स्ट्रक्चर है ये जॉइंटेड है थिक है थोड़े मोटे होते हैं ये थिन है पतले पेयर्ड है अनजॉइंटेड है राइट right? और ये नाइन्थ पे है ये लोग टेंथ पे है इतना फर्क है तो ये जो भी मैंने फर्क बताया याद रखो पहले तो किस में क्या प्रेजेंट है मेल स्टाइल मारता है और उसमें ये चारों भी रहते हैं फीमेल स्टाइल नहीं मारती फीमेल में सिर्फ दो ही रहेंगे पर्पस एक ही है डिटेक्शन ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशंस साउंड वाइब्रेशंस

के अंदर कौन सा सिस्टम बात बात है रेस्पिरेशन, वो सब हम लो देखेंगे, आप लोग कॉकरोच के लिए एनसीईआरटी बुक भी फॉलो करेंगे और जो मैं नोट्स आपको अपलोड करूंगा वो लोग भी फॉलो करेंगे मतलब एनसीईआरटी में थोड़ा ऊपर ऊपर दिया नोट्स में पूरा डिटेल में दिया गया बेटा ठीक है तो ये था कॉकरोच का आज का इंट्रोडक्शन बेटा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ मुझे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कॉकरोच बेटा जिसमें हम अब हेड थोरैक्स एफ मतलब पहले तो हम लोग हेड से ही शुरुआत करेंगे बेटा चलिए बेटा तब तक पढ़ते रहिए बेटा इसको रिवाइज कीजिए ध्यान लगा के पढ़िए बहुत जल्द मिलेंगे बेटा थैंक यू थैंक यू सो मच